स्वागत है जी आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है भाई डिफरेंशियल लोक, जो कि आपको इतने बड़े ट्रैक्टर में नहीं देखने को मिलती। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारे पास स्वराज 855 FE, जो कि है भाई 4 स्टार और ये रिवर्स PTO के साथ में आता है। तो इतने बड़े ट्रैक्टर में भी स्वराज वालों ने डिफरेंशियल लोक नहीं दिया है। तो भाई डिफरेंशियल लोक होता क्या है और क्या काम होता है उसका, और किस जगह वो दिया जाता है ट्रैक्टरों में? वैसे तो जैसे 575 हो गया, फिर न्यू होलैंड वगैरह में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। और भाई जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इतना पुराना ट्रैक्टर है 4 3600, लेकिन इसके अंदर भी कंपनी जब मतलब इतने पुराने टाइम में भी ये जो डिफरेंशियल लोक है इन्होंने इसमें भी प्रोवाइड किया है, लेकिन वो जो नई जनरेशन है उसमें अभी तक भी उन्होंने कोई डिफरेंशियल लोक का फीचर नहीं प्रोवाइड किया है। और भाई इसका काम क्या होता है मेनली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अभी। तो भाई जो आप ये इतनी बड़ी ट्रॉली देख रहे हैं, तो भाई इसे चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑलरेडी इन दोनों ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही है। तो भाई अगर ये कहीं मतलब स्टगिन में यानी कि मिट्टी के अंदर कहीं धंस जाए, तो फिर जो अपना ट्रैक्टर का एक टायर होता है काफ़ी देर तक एक ही टायर काम करता है, लेकिन जब हमें दोनों टायर की ज़रूरत पड़ती है तो हमें साइड ब्रेक का यूज़ करके काफ़ी देर तक हमें साइड ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है, जब जाके अपने जो दोनों टायर हैं वो एक साथ वर्क करते हैं और फिर ट्रॉली को निकाल पाते हैं। लेकिन इस ट्रैक्टर में बिल्कुल इससे अलग फीचर है ये, जब भी हमें इस दोनों टायर की ज़रूरत पड़ती है तो भाई एक साथ में हम इनको चला सकते हैं। सिर्फ इस पे पैर रखना है हमें और कुछ नहीं करना, ना तो हमें ये देखना है कि भाई अपना ट्रैक्टर कौन से गियर में चल रहा है, ना कुछ किसी और चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ जैसे ही अपना ट्रैक्टर फंसे तो हमें सिर्फ इस पे पैर रख लेना है चलते चलते पे, और दोनों टायर एक साथ वर्क करने लगेंगे। लेकिन भाई अगर हम इस चीज़ को रोड पर यूज़ करेंगे तो जो अपना स्टीयरिंग होता है ट्रैक्टर का ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जो जब दोनों टायर एक साथ वर्क करेंगे तो ट्रैक्टर सीधा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि बिल्कुल सीधा ही चलेगा। लेकिन जब हमें मोड़ना होता है तो हम डायरेक्टली उससे पैर हटा सकते हैं और जो फिर डिफरेंशियल लोक का जो कनेक्शन है वो कट जाएगा और फिर एक टायर वर्क करेगा जिस तरीके से नॉर्मल पोजिशन में सभी ट्रैक्टर के करते हैं। तो ये थी भाई डिफरेंशियल लोक की कमी, जो कि 855 में काफ़ी दिनों से है, लेकिन अभी जो कंपनी ने एक नया फीचर ऐड किया है, जो कि ये साइड में गियर दे दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि 963 में भी आपने देखे होंगे। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने एक फीचर को बढ़ा दिया है स्वराज 855 के अंदर, जो कि 3 स्पीड भी कर दिया है, जो हाई लो वाला गियर होता है उसमें एक मीडियम का गियर भी बढ़ा दिया। लेकिन जो मेन ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको 4 3600 में भी देखने को मिलती हैं, जो अभी तक भी मिसिंग है इन बड़े बड़े ट्रैक्टर्स में। तो ये थी भाई आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और भाई बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियो आप सभी के पास पहुँचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।